वाहन पार्किंग कस्बों में आज एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है, विशेष रूप से उन घरों के लिए जिनके सामने चौड़ी खुली सड़क है और जिनके घर के आसपास बाजार और दुकानें हैं। देश में परिवहन व्यवस्था ठप है, नगर पालिकाएं अपने कर्तव्य निर्वहन में उपेक्षित रवैया अख्तियार किए हुए हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में लोग गाड़ियों पर गाड़ियां खरीद रहे हैं और उनमें बैठकर अपने दिमाग की बत्ती गुलकर गांव या अन्यत्र से शहर सामान खरीदने आते हैं। दर्जी से कपड़े सिलवाने आते हैं, बैंगल स्टोर पर चूड़ियां पहनने आते हैं, ब्यूटी पार्लर पर सजे संवरने आते हैं, अपनी दुकानों के लिए राशन खरीदने आते हैं या कस्बे के व्यापारियों का माल लेकर उसे उतारने के लिए बड़े बड़े ट्रक आते हैं। तो अपनी कार, बाइक, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक ऐसे घरों के आगे खड़े कर देते हैं जिनके आगे चौड़ी खुली सड़क होती है और घंटों घंटों वहां अपना वाहन खड़ा कर ऐसे निकल लेते हैं जैसे कि जिस घर के आगे वाहन खड़ा किया है उसमें से न किसी को सड़क पर आना है और न ही उस घर में किसी को अपने किसी कार्य से जाना है, न उस घर के स्वामी को अपना वाहन निकालने का अधिकार है और न ही वाहन लेकर घर से बाहर निकले घर के सदस्यों को घर में आने का अधिकार है। भारत में वाहन पार्किंग के नियमों में किसी घर के आगे और भवन के प्रवेश में बाधा डालने पर वाहन चालकों पर जुर्माने और चालान का कानून है। साथ ही कोई भी गाड़ी लावारिस अवस्था में 10 घंटे खड़ी करने पर गाड़ी को उठा लिए जाने का नियम है, किंतु कोई नियम कानून कहीं भी अमल में दिखाई नहीं देते। ऐसे में प्रशासन की अनदेखी खुली जगह वाले घरों के स्वामियों पर भारी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें अपने घर के सामने से वाहन हटाने के लिए स्वयं कहना पड़ रहा है और वाहन चालकों की असभ्यता को निरंतर सहना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि वाहनों पर वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर लिखा जाना आवश्यक नियमों में शामिल करें, ताकि जब कोई वाहन स्वामी अपना वाहन गलत खड़ा करे तो कम से कम उससे स्वयं संपर्क कर अपने घर से बाहर आ सके और बाहर से आने पर अपने घर में प्रवेश कर सके।